केंद्रीय एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन केंद्र नागपुर कार्यालय द्वारा महाराष्ट्र राज्य के 40 कृषि अधिकारियों के लिए कपास की फसल एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन आधारित दीर्घकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन 27 सितंबर को किया जाएगा, ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान दी गई है। सिफारिश पर भारत सरकार और राज्य सरकारों को पौधा संरक्षण से संबंधित सभी मामलों पर सलाह देने के लिए एक शीर्ष संगठन के रूप में की गई थी। निदेशालय का नेतृत्व पादप संरक्षक सलाहकार मुख्यालय फरीदाबाद द्वारा किया जाता है। अच्छी कृषि के लिए समग्र फसल उत्पादन कार्यक्रमों में पौधा संरक्षण रणनीति और गतिविधियों का महत्वपूर्ण स्थान है। 1960 के दशक के दौरान कीट नियंत्रण के लिए कैलेंडर आधारित कीटनाशक अनुप्रयोग रणनीति थी। निगरानी प्रणाली 1970 के दशक में अपनाई गई थी। 1980 के दशक के दौरान किसानों द्वारा ETL आधारित कीट नियंत्रण निर्णय लिए गए थे। दवाई यूज किए बिना पेस्टिसाइड यूज किए हम फसलों को कैसे हानिकारक कीड़ों से बचा सकते हैं, वो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के तहत आता है। अब उसमें हमको कुछ प्रैक्टिस जो है ना शुरू से ही करनी है, यानी खेत की तैयारी से लेके और आपको सूरी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब उसके बाद में इसके जो IPM के जो मेथड है वो चार मेथड है मोटा मोटा। कल्चर क्रिया जो किसान खेत में अपने करता है वो क्रियाएं जो किसान के अपने बस में है, जैसा खेत की तैयारी करना, खेत की गर्मी जुताई करना, अच्छा बीज लाना, अच्छा जो है ना सी ट्रीटमेंट करना, उसके बाद जो है ना आपके पानी की व्यवस्था करना, सही बैलेंस मात्रा में खाद डालना और सही तरीके से बीज की मात्रा डालना, ये सारी क्रियाएं जो है ना किसान के लेवल पे होती है। इस प्रशिक्षण की प्रमुख गतिविधियां इस तरह है कि पूर्व चेतावनी के लिए कीटों और बीमारियों की निगरानी करना, किसानों के खेतों में प्राकृतिक शत्रुओं का संरक्षण, जैव नियंत्रण कारक का उत्पादन और फील्ड रिलीज, जैव कीटकनाशकों, नीम आधारित कीटकनाशकों जैसे पर्यावरण के अनुकूल IPM कार्यक्रम को बढ़ावा देना, मानव संसाधन विकास के अंतर्गत IPM आधारित किसान खेत पाठशाला, दीर्घकालीन प्रशिक्षण, अल्पावधि मानव संसाधन के अंतर्गत एकात्मिक कीट प्रबंधन कार्यक्रम के माध्यम से अधिकारियों और किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करना, कृषक समुदाय के बीच IPM प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाना। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।